नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनो सागर और आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी मंथली अर्निंग यूट्यूब की तरफ से कितनी है, मैं मंथली यूट्यूब से कितना कमा लेता हूं और आज के टाइम पे मेरे को कितना टाइम हो चुका है यूट्यूब पे काम करते करते, और मेरे जो 2.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं उसको अचीव करने में कितना टाइम लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा और एक आपको आइडिया मिलेगा कि मोनू सागर कितना कमाता है यूट्यूब से। दोस्तों सबसे पहले मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इवन मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे को मालूम भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है। मेरे को एक शौक था कि जो मेरे अंदर टैलेंट है या जो मेरे को छोटा मोटा काम आता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और मेरा जो काम का स्किल है जो भी मेरे को आता है वो यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं और लोगों को दिखाऊं कि यार मेरा देखो एक यूट्यूब चैनल है। बस मेन मोटो मेरा यही था कि मेरा अपना खुद का एक यूट्यूब पे चैनल होता। इवन बाद में मेरे को 3 महीने बाद पता चला कि यार इससे तो पैसा भी कमाया जाता है। मैंने ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। फिर मैंने यूट्यूब पे सीखा अच्छे से कि यूट्यूब कैसे काम करता है और कैसे मतलब सारी चीज़ें होती है, पैसा कैसे आता है, कितने लाइक या शेयर का पैसा मिलता है, क्या होता है चीज़ें। तो मतलब इवन मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, आप इसके बारे में यूट्यूब पे चेक कर लीजिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरी अर्निंग कितनी है। आज से 2 महीने पहले जो मेरी 1 महीने की अर्निंग थी उसमें मैंने लैपटॉप ख़रीदा, ऑसस का वीवो बुक S50UN। ये 16 GB रैम के साथ है, 16 GB रैम के साथ आया है ये लैपटॉप, और आप चेक कर सकते हैं एक बार। मैं आपको नज़दीक से यहाँ से दिखा देता हूँ। तो आप इसको अच्छे से बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि मॉडल नंबर क्या है इसका, ठीक है। तो ये मेरी 2 महीने पहले की अर्निंग थी और इससे 1 महीना पहले जस्ट, क्योंकि आज जो अब आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी मैं अर्निंग आती है हमारी 25 तारीख को, तो अभी मतलब पिछले महीने की नहीं आई, इससे 1 महीने पीछे की जो अर्निंग है उससे मैंने रॉयल इनफील्ड खरीदी है। तो ये स्टैंडर्ड खरीदी है और स्टैंडर्ड कितने की है आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और मैंने सबसे पहले लिखा दिया है यूट्यूब रॉयल इनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक। तो ये मेरी पिछले मतलब 2 महीने पहले की अर्निंग है, और उससे मतलब 3रे महीने की अर्निंग से लैपटॉप लिया। अभी इस महीने की जो आने वाली है उससे मैं लद्दाख ट्रिप एंड लद्दाख टू कन्याकुमारी ट्रिप करने वाला हूँ, तो मतलब काफ़ी मज़े वाला रहेगा जो भी रहेगा। और आज के टाइम की जो मेरी अर्निंग है वो मैंने आपको बता दी कि मैंने 1 महीने की अर्निंग से रॉयल इनफील्ड खरीदी है। तो इवन आपका पैसन होना चाहिए काम करने के लिए, ये नहीं कि आप पैसा कमाने आओ। आप अगर यूट्यूब पर पैसा कमाने आते हैं तो आप मतलब वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे जो जेट आपको पकड़ना है। और अपना कंटेंट रखिए, ये नहीं कि किसी की शॉप में गए 4 वीडियो उसकी बना दी और आप पॉपुलर हो गए, ऐसे नहीं। लॉन्ग टर्म काम करने के लिए आपका खुद का टैलेंट होना चाहिए। तो यही था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। और रॉयल इनफील्ड ले ली है स्टैंडर्ड, अगर इसका रिव्यू लेना है कैसी ये चलती है हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए। जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए इसका बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ये कितने की पड़ी, एक्सोरूम प्राइस कितना है, और कितना जब हम गाड़ी को बुकिंग कराते हैं तो कितना चार्ज करना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, कितने महीने में मिलती है, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बनने वाली है इसकी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तब अगर आप कहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो यही था, और वीडियो में मैंने आपको बता दिया, मेन आपको टॉपिक यही था कि मैं कितना कमाता हूँ आपके सामने है, रॉयल इनफील्ड आ गई है। और आपको पसंद आया तो थैंक यू, और मुझे पता है आप लोग कंग्रेचुलेशन बोलेंगे, तो इसके लिए धन्यवाद दिल से। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।